एबीपी न्यूज की एक खास कवरेज सीधे अयोध्या से। आप देख रहे हैं राम राज्य, मैं हूं आपके साथ शीरीन और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपा बाफिला। देखिए पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इस पूरे समारोह में क्या क्या होगा, प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया आखिर क्या है, और अब जब ये संपन्न हो जाएगा तो आप दर्शन कैसे कर पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं 22 जनवरी से जुड़े 22 सवालों के जवाब इस रिपोर्ट। बाईस जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोग कब से दर्शन कर सकेंगे? प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी के बाद फिर हम लोग का एक कार्यक्रम है और व्यापक पैमाने पे ये चलेगा और श्रद्धालु हमारे दर्शन कर पाएंगे। और हम लोगों ने श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत हम लोगों ने ट्रस्ट से बात भी हुई है, वार्ता हुई है, और हम लोग का प्रयास होगा कि अधिक से अधिक जो भी हमारे इस क्षेत्र में आएंगे उसका दर्शन सुनिश्चित किया जाएगा और काफ़ी बेहतर तरीके से। इसके लिए हम लोग टाइमिंग बढ़ाने की भी बात चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन करने का तरीका क्या होगा? कि प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी बीआई या बीपीआई जो आएंगे उनका दर्शन कराया जाएगा। लगभग 400 मंदिरों में निमंत्रण दिया गया है, तब उन संतों का दर्शन कराया जाएगा, ऐसा क्रम बनाया जाएगा। उनके दर्शन के बाद तब समान दर्शन हो जाएगा, जो भी खुल जाएगा सभी के लिए। अयोध्या में जिन्हें 22 जनवरी के दिन रुकना हो वो क्या करें? जिन लोगों को ट्रस्ट ने आमंत्रण दिया है उनके रुकने की भी व्यवस्था को यहाँ पर होटल में और जो टेंट सिटी बन रही है टेंट उसमें रोकने का काम ट्रस्ट के लोग करेंगे। सबको सम्मान के साथ ठहराने की व्यवस्था रहेगी 20 तारीख 21 22 और 23। 22 जनवरी के बाद हर दिन कितने लोग दर्शन कर पाएंगे? पहले एक लाइन लग चलती थी, अब दो लाइन तीन लाइन करके पंक्ति में लोग दर्शन कराएंगे जिससे अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सकें। कि 12 से 14 घंटे मंदिर खुलेगा तभी हम वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करा सकेंगे। जहां रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी क्या वहीं राम का जन्म हुआ था? निर्माण कार्य जब से चल रहा था उत्खनन हुआ, फिर भी वहाँ पर एक जो है लोहे की कील गाड़ी हुई थी, फिर जैसे जैसे हम बढ़ाते गए वैसे वैसे हम वहाँ पर तत्काल एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होने दिया कि आज से अनाज से जहाँ से हम उस पर पूजा करते चले आ रहे हैं उसको जन्मभूमि मानते चले आ रहे हैं, आज इसके नाते वहीं पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा, वो कहाँ स्थापित होगी? अभी जो जितने मूर्तियाँ हैं वो सारी मूर्तियां वहां पर रहेगी। कदाचित 21 तारीख को किसी समय उन्हें वर्तमान स्थान से गर्भगृह में लाया जाएगा और एक दिन 22 तारीख को दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी, 23 से दर्शन शुरू हो जाएगा। रामलला की मूर्ति का सूर्य तिलक क्या है और उसका समय क्या होगा? सूर्यवंश की जो परंपरा थी इसके नाते सूर्य तिलक करने का उनका भाव रहा है। रामनवमी के दिन ऐसी व्यवस्था हो कि सूर्य की किरणें शिखर से आकर भगवान रामलला को 12 बजे उनके माथे पर आकर गिरें। हमारी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनसे अनुरोध किया गया, वो इस कार्य में जुटी और ये होने जा रहा है। आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन की टाइमिंग क्या होगी? दर्शन के जो टाइमिंग है अभी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक है। 12 बजे आरती का कार्यक्रम होता है अभी सुबह में, और उसके बाद 2 बजे के बाद 2 से लेकर बस 7 बजे तक है, और 7 बजे के बाद आरती का कार्यक्रम होता है। लेकिन हम श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत रखते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रस्ट से बात भी हुई है, वो उसके जो दर्शन के जो आवर्स हैं जो घंटे हैं उसको बढ़ाया जाएगा। राम दरबार में किन किन लोगों की मूर्तियाँ होंगी? राम दरबार तभी माना जाता है चारों भैया मैया हनुमान जी रहे तो ही राम दरबार माना जाता है, बाकी और भी सखा सहित सब पूरा परिवार रखे तो पूरी राम दरबार हो जाती है। वैसे अगर शास्त्रोक्त करें तो चारों भैया और हनुमान जी महाराज और मैया ये 5 लोग हो जाए राम दरबार हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय और 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त क्या है? अभिजीत मुहूर्त में 12:30 के पश्चात संजीवनी लग्न आ रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि
ऐसे समय में इसकी स्थापना हो कि भविष्य में कभी भी ये मंदिर न टूटे। लग्न में नवमेश गुरु है, ये राजयोग कारक बनता है, सभी लोगों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा सद्विचार का। नए राम मंदिर में कितने पुजारी होंगे और उनका चयन कैसे हुआ है? 1 मार्च 92 को हम पुजारी हुए, तो हमने 4 और पुजारियों की नियुक्त करी थी, 1 में 5 पुजारी और 2 कर्मचारी और भंडारी, ये सब की नियुक्ति करके फिर अपना पूरी व्यवस्था जो है उसी समय से 1 मार्च 92 से संभाल लिया। अब इसमें बदलाव यदि होगा तो बताएंगे, तो किस रूप में बदलाव होगा, कैसे होगा। राम मंदिर के नए पुजारियों को ट्रेन किया जा रहा है, कहाँ और कौन कर रहा है? ट्रस्ट अपना कर रहा है और ट्रस्ट में 20 से 21 पुजारी ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी 6 महीना ट्रेनिंग होगी। अभी वो ट्रेन नहीं हुए हैं, 6 महीना भी समय लगेगा, अभी 1 महीना बीता है। ये जो आएंगे वो कहाँ कैसे करेंगे वो वहाँ के जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं वो उसको नियुक्ति करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में कौन कौन मौजूद रहेगा? जो आचार्य गण हैं जो पूजा कराएंगे और जो पूजा कर रहे हैं वो तो होंगे ही। गर्भगृह में प्रधानमंत्री जी और सर संचालक जी होंगे ही। गर्भगृह में जो जजमान होगा वो होंगे ही। गणमान्य व्यक्तियों में प्रदेश के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी होंगे। पीएम मोदी रामलला से पहले जटायु का आशीर्वाद क्यों लेंगे? क्योंकि उनके पिताजी से उनकी सहायता की है राम की, इसलिए जटायु की महत्व बढ़ गया और जटायु को से पहले ये हमारे मोदी अभी उसे मूर्ति आ गई है और लेकिन अभी उसको खोला नहीं गया, आपके दर्शन नहीं हुआ। जब आ जाएंगे तो उन्हीं के द्वारा उनका भी उद्घाटन किया जाएगा और लोग जाके उनका भी दर्शन करेंगे। राम मंदिर में हर रोज आरती का समय क्या होगा और क्या आम लोग शामिल हो सकेंगे? हर चीज का एक समय निश्चित होगा आरती में, क्योंकि आरती के समय एक सीमित दायरे में लोग ही वहाँ हो सकते हैं, इसलिए उनको अभी भी पास दिया जा रहा है, आगे भी हो सकता है उनको पास दिया जाए। रामलला के दर्शन के लिए क्या पास या टिकट की जरूरत होगी? जो भी पहले आएंगे लाइन और क्यू जो व्यवस्था है और उसके लिए मल्टीपल लोकेशंस हैं, 16 पॉइंट्स चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, काफ़ी बड़ा स्तर पे हम लोगों ने जन्मभूमि पथ तैयार किया है। PFC जो हमारा पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर्स है बना है, उसमें 16 पॉइंट्स है जो चेकिंग होंगे, तो काफ़ी तेज़ गति से होगा, काफ़ी बड़ा PFC भी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। पास की हम लोग के यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर जो भी आएंगे दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या जाने पर रुकने और भोजन करने की व्यवस्था में कोई बदलाव है? सैकड़ों भंडारा यहाँ पर चलाने वाले हैं, जिससे जो भी श्रद्धालु जो भी राम भक्त अयोध्या आए उनको भोजन प्रसाद मिल सके। 6 भोजनालय चलेंगे। अभी आप दिखा रहे थे भोजनालय में, 6 भोजनालय तो 6 सेक्टर्स में इसको बांट दिए गए। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में कितने शहरों से सीधी फ्लाइट जाएगी? दिल्ली से तो रेगुलर फ्लाइट अभी हमारी चालू ही है, मुंबई से 16 से मुंबई की फ्लाइट शुरू हो रही है और इंडिगो की फ्लाइट जो है अहमदाबाद से शुरू की थी, जो कि सप्ताह में 3 दिन चलेगी। तो अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली के लिए हमारी रेगुलर फ्लाइट्स यहाँ से बिल्कुल चलेगी। बेंगलोर और हैदराबाद का और रहेगा बाद में। अयोध्या एयरपोर्ट कब तक फुल स्विंग में आएगा और कितने देशों से जुड़ेगा? अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का कोई ऐसा हमें सूचना नहीं मिली है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो दिल्ली जैसे लखनऊ है या दिल्ली है वहाँ से उतर करके डोमेस्टिक फ्लाइट के रूप में ही यहाँ पर आएगा। ये सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और निकट भविष्य में ही हम इसको इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से शुरू करेंगे। अभी अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन सेवा किन किन राज्यों से है? पूरे देश से लोगों को सुविधा पूर्वक आ सके सैकड़ों ट्रेनें चलाने वाला अयोध्या स्टेशन के साथ साथ रामघाट हाल्ट स्टेशन उसका भी निर्माण हो रहा है। यहाँ तीनों स्टेशनों पर मिला करके कई हजार लोगों को, कई हजार श्रद्धालुओं को, यात्रियों को रोकने की व्यवस्था रेलवे विभाग कर रहा है। रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना ज्यादा फलदायक है। पहले दर्शन वाली मान्यता इसीलिए है कि बिना हनुमान जी के दर्शन किए कहीं पुण्य मिलना नहीं है, कहीं काम होना नहीं है, क्योंकि राम जी के द्वार पर
हनुमान जी का दुर्ग है, जब तक हनुमान जी की अनुमति नहीं लोगे तब तक कहीं से आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इसके नाते हनुमान जी से आशीर्वाद लेना आवश्यक है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद दर्शन के वक्त प्रसाद के रूप में क्या दिया जाएगा? प्रसाद की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि ऐसे प्रसाद की रचना हो रही है जो लगभग 10 से 15 दिन तक सुरक्षित रहे। यदि श्रद्धालु अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए ले जाना चाहता है तो वह क्रय कर सकता है। लगभग वही व्यवस्था जो तिरुपति में। ABP News, आपको रखे आगे।